स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स। देखिए, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको यहाँ हम समझेंगे। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ऑपरेटर डेल्टा इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ एक्स। एफ एक्स का डेल्टा मतलब एफ एक्स का सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। ये एच इंटरवल होता है, जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। तो वहाँ हमने डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल एफ एक्स के लिए फॉर्मूला था एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए फॉर्मूला था डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। डिवाइडेड यानी डिवाइड करते थे उसके आर्गुमेंट के डिफरेंस से। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस। देखिए, सेंट्रल मींस आप समझ ही रहे होंगे, मिडिल। मिडिल मींस एच का हाफ, इसमें ऐड हुआ एक्स में माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, एच वाई टू यहाँ माइनस हुआ। तो ये एक फॉर्मूला होता है सेंट्रल डिफरेंस का, या हम कहें डेफिनेशन में अगर हमें लिखना है तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे कि किसी फंक्शन का जो सेंट्रल डिफरेंस होता है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। अब हम ये कहें कि भाई डेल्टा और ई जो कि शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसका हम आपस में रिलेशन चाहिए कि भाई डेल्टा और ई में क्या रिलेशन है, उसको हम ये रिलेशन होता है कैसे आया वो हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखिए, डेल्टा एफ एक्स ये इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई टू, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा शिफ्ट ऑपरेटर का, ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एन एच, एन यहाँ पर कितना है वन बाई टू, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ई की पावर वन बाई टू एफ एक्स। फॉर्मूला समझ लीजिए, एफ एक्स प्लस एन एच के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं ई की पावर एन एफ एक्स। अब यहाँ जो एन है वो पावर पर, पावर पर यानी ई की पावर है ये कहे हैं, एन क्या है ई की पावर, तो वही है एन यहाँ कितना है वन बाई टू, ई की पावर हो गई है वन बाई टू, ई एफ एक्स हो गया माइनस, यहाँ एन क्या है माइनस का वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू ई की पावर हो गई। यानी ये वाला फार्मूला हमने बैक फार्मूला यूज कर लिया, इस फार्मूले की बैक फार्म इसके प्लेस पर ये लिखना, दोनों से हमने एफ एक्स बाहर लिख लिया कॉमन लेकर, क्या रहा ई की हाफ माइनस ई की माइनस हाफ एफ एक्स, यहाँ डेल्टा एफ एक्स है, ये एफ एक्स कैंसिल, डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ये रिलेशन हो गया सेंट्रल डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर था उसमें पढ़ा,
वहाँ तीन ऑपरेटर थे, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर में ई की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था एफ एक्स प्लस एन एच, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करके इन डेल्टा और ई में एक रिलेशन प्रूफ किया। एक और रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर डेल्टा, ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा, यानी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, ए वी इज इक्वल टू बी ए, दोनों हमें प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे वो समझेंगे। बाई डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस वन बाई टू एच या एच वाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स माइनस हाफ एच, डेल्टा का फॉर्मूला यही है ना, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यानी इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है एच का, देख लीजिए क्या इसमें और इसमें एच का डिफरेंस है, एक्स प्लस हाफ एच माइनस एक्स माइनस हाफ एच, इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे तो एच आएगा। इसका मतलब हुआ ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स प्लस एच है। तो इसको ये लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करने के बाद। ओके, अब इसमें हम शिफ्ट ऑपरेटर फार्मूला लगा दें, यानी शिफ्ट ऑपरेटर फार्मूला हम इसमें यूज कर लें। क्या होता है, ई की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, एफ एक्स प्लस एन एच के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं ई की पावर एन में, यानी जो एन है वो उसका पावर हो जाएगा। ठीक, यहाँ एन क्या है, माइनस वन बाई टू, तो ई का पावर हो गया ये डेल्टा ये लिखा है, तो इसको हमें एफ एक्स बनाना है, तो एफ एक्स ये हो गया, ये जो होता है एन जो भी, यहाँ जो भी नंबर होगा वो ई की पावर हो जाएगा, तो डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स, एफ एक्स डेल्टा ई की माइनस हाफ या ई की माइनस हाफ डेल्टा, दोनों इक्वल होते हैं। हम जानते हैं ये फार्मूला हमने प्रूव किया है, ई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई, कोई फैक्टर नहीं है, दोनों कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। तो एफ एक्स हम कैंसिल कर दें तो यहाँ से ये आ गया डेल्टा, ये ई की माइनस हाफ डेल्टा ये हो गया, ये वाला पहले लिखा है डेल्टा ई की माइनस हाफ, ये ई की माइनस हाफ डेल्टा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू डेल ई की हाफ इज इक्वल टू ई की हाफ डेल, ये डेल आप समझ रहे होंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है ये डेल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ये डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस, ये फॉर्मूला एफ एक्स प्लस हाफ एच माइनस एफ एक्स माइनस हाफ एच, इसको हम डेल में चेंज करें तो डेल ये आएगा, ये फार्मूला है डेल डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये होता है एफ एक्स माइनस एच, ये कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इसकी जगह हम इनकी जगह ये लिख सकते हैं डेल एफ एक्स, यहाँ जो लिखा है वो आएगा, ऐसे ही इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं डेल एफ, ये जो वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको ई में शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करिए, हमने भी बताया एफ एक्स प्लस एन एच, तो ये एन कितना है, वन बाई टू, तो एन कहाँ आएगा, ई के पावर हो जाएगा, तो डेल डेल ई की पावर वन बाई टू एफ एक्स,
और डेल और ई आपस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है यहाँ। ई इंटू डेल इज इक्वल टू डेल ई, ई डेल इज इक्वल टू डेल ई, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया डेल ई की हाफ इज इक्वल टू ई की हाफ डेल। देखिए अगला फॉर्मूला, डेल्टा की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा की पावर एन एफ एक्स माइनस हाफ एन एच इज इक्वल टू डेल की पावर एन एफ एक्स प्लस हाफ एन एच। तो इस डेल्टा का रिलेशन डेल्टा के साथ और डेल्टा का डेल के साथ। डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स। देखिए ये डेल्टा स्मॉल ये कैपिटल, तो दोनों साइड हम एन पावर यूज कर रहे हैं, टेकिंग एन पावर बोथ साइड्स। तो डेल्टा की एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई की माइनस हाफ की पावर एन एफ एक्स। डेल्टा की एन ई की पावर माइनस एन वाई टू, ई की माइनस एन वाई टू हम इस पर ऑपरेट कर लें तो ये डेल्टा की एन, ये एफ फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, एन क्या है माइनस एन बाई टू, तो यह क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन बाई टू एन एन एच। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ई की एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। तो यह जो पावर होती है वो यहाँ आ जाती है, यहाँ पे पावर माइनस एन बाई टू है तो माइनस एन बाई टू एच। सेम डेल के लिए भी यही मेथड है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ई की हाफ, दोनों साइड एन टेक किया, डेल की एन ई की एन वाई टू प्लस का एफ एक्स डेल एन, इसको फिर फंक्शन पर ऑपरेट कर दीजिए तो प्लस का एन वाई टू है तो प्लस का एन वाई टू एच ऐड हो जाएगा।